हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हमको एक कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, उसके बारे में थोड़ा आइडिया लगाते हैं। कोशिश करते हैं कि टर्म्स सीखें कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन समझने से पहले आपको पहले एक और वर्ड है जो आपको समझना होगा, मिक्सर। मिक्सर क्या होते हैं? अगर आप कभी भी दो सब्सटेंस को या तीन सब्सटेंस को, टू और मोर देन टू सब्सटेंस को एनी रेशियो में मिला सकते हो, किसी का अमाउंट कम किसी का भी अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं, अमाउंट अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ को आप बोलते हो मिक्सर। जैसे अगर वो बोले बोले सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट वाटर में आपके दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्ट जिसको आप कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, एग्जाम्पल NaCl, वाटर एग्जाम्पल H2O। सॉल्ट वाटर में आप जितना चाहें उतना सॉल्ट डाल सकते हैं या वाटर का अमाउंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसका अमाउंट आप वेरी कर सकते हैं, जिनका कंपोजिशन, अमाउंट के लिए ज़्यादा अच्छा वर्ड कंपोजिशन बोलते हैं, तो ऐसी चीज़ें जिनका कंपोजिशन आप वेरी कर सकते हो वो आपके आपके मिक्सर होते हैं। ठीक हो गया, ऐसे सब्सटेंस जिनमें आप कंपोजिशन को वेरी कर सकते हो, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हो, किसी कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा कर सकते हो, किसी कंपोनेंट की वैल्यू कम कर सकते हो। जैसे मैं वाटर में हो सकता है कि सॉल्ट का अमाउंट और बढ़ा दूं या वाटर का अमाउंट बढ़ा दूं या घटा भी सकते हैं। इवेपोरेशन करोगे तो पानी कम हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, तो अगर कोई बोले कि मिक्सर क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो सब्सटेंस या तीन सब्सटेंस को एनी रेशियो मिला देते हो तो जो चीज़ मिलता है उसको आप बोलते हैं मिक्सर। ठीक है, अब मिक्सर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस और नंबर टू है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, अभी नाम सुने हैं सबको मेरे ख्याल से आते भी होंगे। होमोजेनियस क्या होता है? अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया सी वाटर, ये सॉल्ट वाटर का ही फॉर एग्जांपल, तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से सैंपल उठाऊँ, यहाँ पर से सैंपल उठाऊँ, यहाँ पर से, तीन अलग अलग लोकेशन से सैंपल उठाया टेस्ट करने के लिए, इधर से और इधर से, और टेस्ट किया, तो अगर 20% NaCl यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 20% NaCl है और इस लोकेशंस पे भी 20% NaCl है। तो इसका मतलब हर जगह पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो आपका हमारा होमोजेनियस मिक्सर है। जैसे एयर है, अगर आप एयर कहीं से भी लेके आओ तो लगभग 21% आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, 78% तक आपका नाइट्रोजन होगा, 1% आपका अदर सब्सटेंस होंगे जिनमें आपका आर्गन से लेके कार्बन डाइऑक्साइड से लेके हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो 1% बाकी की चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह मान लो यहाँ पर आपका 10% होता, यहाँ पर नीचे को मान लेते हैं 30% होता, यहाँ पर 15% होता, तो आप देख रहे हैं कंपोजिशन हर जगह एक जैसा नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वालों को आप बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वालों को आप बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सर्स। ठीक है, तो जहाँ कंपोजिशन एक जैसा है वो होमोजेनियस है, जहाँ कंपोजिशन अलग अलग है उसको हेट्रोजेनियस बोलते हैं। अगर हेट्रोजेनियस का एग्जाम्पल देखना हो तो आप मड वाटर का देख लो, कीचड़ जो है उसमें नीचे डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो नीचे ज़्यादा गाढ़ा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, बट ऊपर बहुत लाइट होता है। वैसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आपका ये जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे आप रिवर वाटर को देख लो, तो जहाँ से पॉल्यूटेंट आ रहे हैं रिवर वाटर में, जहाँ पर मेन पॉल्यूटेंट ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो आगे को बढ़ते रहता है कंसंट्रेशन क्या होती रहती है, पॉल्यूटेंट की कम होती रहती है। आप अगर एक रिवर वाटर को सोर्स से देखोगे, जहाँ से ये रिवर शुरू हो रही है वहाँ से लेके सी तक मिलने तक, तो हर जगह कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ का अमाउंट जगह जगह पर अलग अलग होते रहता है। थोड़े आगे जाने के बाद वो सेटल डाउन जाती है, नई इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, वहाँ पर कंपोजिशन अलग अलग होते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ नॉन यूनिफॉर्म वालों को हम हेट्रोजेनस बोलते हैं, जहाँ यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसको होमोजेनियस बोलते हैं। अगर सोसाइटी में मनी का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ तो सोसाइटी में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर सब आदमियों की, सारे लोगों की
एक जैसी इनकम होती, सब एक जैसा पैसा होता सबके पास, तो वो होमोजीनियस होता, बट वो नहीं है। कैसा है? हेट्रोजीनियस। आई बात समझ में? तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में अंतर समझ में आ गया होगा। सेम कंपोजिशन वाले होमोजीनियस हैं, और अगर हर जगह पे कंपोजिशन डिफर कर सकती है तो वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, अब होमोजीनियस सॉल्यूशन को ही एक और नाम से जानते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा। होमोजीनियस को बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सर को ही आप सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड पढ़ा है। जो होमोजीनियस मिक्सर होते हैं उन्हीं को आप बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके मन में ये आना चाहिए हेट्रोजीनियस को क्या बोलते हैं। तो भैया सॉल्यूशन तो आपका होमोजीनियस है, लेकिन हेट्रोजीनियस में आपका शुरू हो जाते हैं कोलाइडल और सस्पेंशन। तो ये दो नए वर्ड हैं, अभी हमने सस्पेंशन तो नहीं पढ़ना है, कोलाइडल पढ़ना है। कोलाइडल जो है एक एग्जांपल है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर का, सॉल्यूशन जो होता है वो एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सर का। ठीक है, अब एक और चीज़ सुनिएगा, अगर आप सॉल्यूशन को थोड़ा बहुत आप रिमाइंड करेंगे, पीछे का याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा सॉल्यूशन में दो वर्ड और एक्स्ट्रा आते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आता है ना, जिस मैटर को डिसॉल्व करते हो वो कम होता है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व करते हो वो ज़्यादा होता है वो आपका सॉल्वेंट है। एक गिलास पानी लाए, उसमें शुगर डिसॉल्व की, तो वाटर जो है आपका वो सॉल्वेंट है, उसको डिसॉल्व कर रहे हो, जबकि आपका शुगर सॉल्यूट है जिसको डिसॉल्व कर रहे हो। बट ये वाला कंसेप्ट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है, या मैं बोलूँ तो आपका होमोजीनियस पे अप्लाई होता है। हेट्रोजीनियस के केस में ये बोलना पॉसिबल नहीं है, कि भैया हम ये नहीं बोल सकते कि हेट्रोजीनियस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो मेनली सॉल्यूशन में स्पेसिफाइड हैं, और सॉल्यूशन में होमोजीनियस के लिए। तो हमने आप नए दो टर्म इंट्रोड्यूस करने हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। अभी क्या है? ठीक है, तो मिक्सर में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला कम यूज करते हैं, आप डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम वाला वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। तो डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम में क्या अंतर है? जिसमें आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसमें घोल रहे हो, आसान भाषा में जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो डिस्पर्जन मीडियम है। आई बात समझ में? और जिस चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं वो डिस्पर्स फेस है। जैसे अगर कोई बोलता आपको क्लाउड हेट्रोजीनियस मिक्सर है ना, ऊपर ही ऊपर होते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर में क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता है, लोकेशन अलग अलग लोकेशन में क्लाउड अलग अलग डेंसिटी का होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे वहाँ अलग क्लाउड होगा, किसी दूसरे लोकेशन में अलग होगा। सही है, हेट्रोजीनियस है। किस में हेट्रोजीनियस है? तो क्लाउड में डिस्पर्जन मीडियम एयर है, क्लाउड एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेरिक एयर है, और क्लाउड में होता क्या है? वाटर। तो अगर कोई क्लाउड के बारे में पूछे तो क्लाउड में जो फेज है जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो वाटर है, और मीडियम जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है वो एयर है। आगे की बात समझने, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये इस चैप्टर में कोलाइडल सॉल्यूशन वाले कंसेप्ट में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम चलेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है। जिस चीज़ को डिसॉल्व करते हो, जिस सब्सटेंस को आप घोलते हो वो डिस्पर्स फेज है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिस्पर्स फेज है, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, अब ये बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा। आज से मैं दो वर्ड बोलूंगा, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। अब चलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की ओर। ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, देखिए, चलिए भी शुरू करते हैं। अभी बताया था मैंने आपको कि मिक्सर जो है आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस जिनमें कंपोजिशन एक जैसा होता है, नंबर टू होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सेम कंपोजिशन वाले, हेट्रोजीनियस डिफरेंट कंपोजिशन वाले। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपको ये लग रहा होगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से क्या फर्क पड़ेगा, डिफरेंस क्या होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, बहुत डिफरेंस पड़ता है, बहुत अंतर आ जाता है इन दोनों की प्रॉपर्टीज में। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला कि मेरे पास एक एयर है। ठीक है, आपको पता है एयर जो है होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस का मतलब हुआ कि हर जगह पे कंपोजिशन सेम है। मान लो मेरे पास ये एयर है, ठीक है, ये एयर है। अगर इस एयर से मैं लाइट पास करूं तो आप देख सकते हैं कि इसका कंपोजिशन तो सेम है,
लाइट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा निकल जाएगी, लाइट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जैसे आपने 10th में ग्लास स्लैब वाला एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, या अभी कब तक 12th में पढ़ रहे हो, ये लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक सेम आते, यहाँ पर एयर है लेकिन यहाँ पर इसका मीडियम चेंज हो जा रहा है, यहाँ एयर है और ये ग्लास है। तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है लाइट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसको आप बोलते हो रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हो? रिफ्रैक्शन। तो आप देखेंगे लाइट बेंड हो जाएगी, फिर यहाँ पर दोबारा से बेंड होगी क्योंकि यहाँ पर फिर से ग्लास से एयर में आ रही है, ठीक है। तो होता यह है कि लाइट जब भी मीडियम चेंज करती है, एक चीज से दूसरी चीज की ओर शिफ्ट होती है, तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। पहले इसको ऐसा निकलना चाहिए था, ये ऐसा ना हो कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, मुड़ गया थोड़ा सा, समझ में आया। अब इसका इससे क्या लेना देना है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई सॉल्यूशन होमोजीनियस है तो सेम रहेगा, अगर सेम कंपोजिशन रहेगा तो लाइट सीधा निकल जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास ये सॉल्यूशन हेटरोजीनियस होता, तो यहां पर कंपोजिशन अलग, यहां पर कंपोजिशन अलग, यहां पर कंपोजिशन अलग, तो जैसे ही ये इसके आसपास आएगा तो इसका मीडियम चेंज हो जाएगा, यहां अलग टाइप का कंपोजिशन है, इसके अंदर अलग टाइप का कंपोजिशन है, तो जिसकी वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन भी पढ़ा होगा, प्रिज्म वाला केस, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सारे फिनोमिनन तभी होते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, और ये तभी पॉसिबल है जब सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस हो। होमोजीनियस के केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप हेटरोजीनियस सॉल्यूशन देखोगे तो हेटरोजीनियस सॉल्यूशन कलर्ड शो कर सकते हैं, जबकि बहुत रेयर है कि कोई होमोजीनियस सॉल्यूशन कलर शो करे, बहुत रेयर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ मैटर तो, कुछ एटम तो अपने आप में कलर दिखाते हैं, जैसे कॉपर का सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट, वो तो ब्लू कलर का होता ही है, ठीक है। उसका लाइट के डिस्पर्जन के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो लाइट में इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है, उसका स्कैटरिंग से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जनरली अगर आप एक मीडियम से लाइट पास कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन स्कैटरिंग तभी हो सकता है जब सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस हो। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं प्रॉपर्टीज में, बहुत डिफरेंस आ जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखते हैं, फिर अब देखिएगा, जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है इसको तो आप बोलते हो ट्रू सॉल्यूशन, ये एग्जैक्ट में जो सॉल्यूशन है वो यही है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस में दो कैटेगरीज आते हैं, कोलोइडल और दूसरा है सस्पेंशन, ठीक है। अब ये कोलाइडल और सस्पेंशन क्या है उनको भी समझते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन क्या है वो भी समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारी की सारी जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। ये समझ में आ रहा है डिस्पर्स फेज पार्टिकल क्या होता है? जिस मैटर को आप डिसॉल्व कर रहे हो, जिस सब्सटेंस को आप डिस्पर्स फैला रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको आप बोलते हो डिस्पर्स फेज पार्टिकल। उसका साइज ही डिफाइन करता है कि वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, वो कोलाइडल होगा या वो सस्पेंशन होगा। कैसे, ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए कि पहले केस में पार्टिकल का साइज बहुत ही कम है, साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो पार्टिकल काफ़ी स्मॉल साइज का है। तो स्मॉल साइज के पार्टिकल में क्या होगा, ध्यान से देखने का, सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अगर पार्टिकल बहुत छोटा है तो ये डिफरेंट पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी आप बोलो, वो पुल बहुत कम होगा। समझ में आया क्या बोला? जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो उनके बीच में फोर्स बहुत कम लगेगा, तो सॉल्यूशन जो रहेगा वो यूनिफॉर्म बना रहेगा, सॉल्यूशन जैसा वैसा ही बना रहेगा, वैसा ही मतलब मेरा स्टेबल भी होगा, सॉल्यूशन क्या भी होगा, स्टेबल होगा, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप उसको रख दो, उसमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज पार्टिकल बहुत छोटा है, छोटे पार्टिकल का मास भी कम होगा, जनरली यही होगा, छोटे पार्टिकल का मास कम होगा तो ग्रेविटी का इफेक्ट कम होगा, दो पार्टिकलों के बीच में फोर्स भी कम लगेगा, तो वो आपस में मिलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन स्टेबल होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन समझ में आ गया क्या बोला,
टू सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का साइज सबसे छोटा 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। इस केस में जिस आप पार्टिकल को डिसॉल्व कर रहे हैं उसमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सॉल्यूशन स्टेबल होता है, वो लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, होमोजीनियस मिक्सर होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरी लिमिट में जाते हैं। पहला लिमिट ये है, दूसरी लिमिट में पार्टिकल का साइज मॉडरेट है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, मीडियम रेंज का। ठीक है, मीडियम रेंज से मेरा मतलब है साइज जो होगा पार्टिकल का 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा बट 1000 नैनोमीटर से छोटा होगा। 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा, 1000 नैनोमीटर से छोटा होगा। इससे क्या होगा, अगर ये पार्टिकल थोड़े से बड़े हो गए, इस पार्टिकलों का साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, पार्टिकलों का साइज थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, तो थोड़ा सा बढ़ाने से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू होंगे, और अगर ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, बड़ा पार्टिकल बनेगा। बड़ा पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएगा, जैसे क्लाउड में होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से मिलता है कंडेंस होता है तो वो आपका क्लाउड बनता है, जो और कंडेंस होता है तो वाटर के ड्रॉपलेट बनते हैं और नीचे गिर जाते हैं। पार्टिकल एक दूसरे को खींचते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट एक दूसरे की ओर इंटरैक्ट होते हैं, इंट्रैक्शन की वजह से बड़ा पार्टिकल बनता है, बड़ा पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाता है। तो ऐसे जिन्हों पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो उनको आप बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ में आ गया, कोलाइडल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। अब लास्ट केस है, ये हल्के फुल्के स्टेबल होते हैं, बहुत कम भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, मतलब ग्रेविटी की का इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सेडिमेंटेशन का इफेक्ट पड़ता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि आप उसको घुमाते हैं, जब आप किसी मैटर को इस तरीके से घुमाते हैं तो उसको एक सेंट्रल की ओर फोर्स लगता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो, mv2/r। वो पार्टिकल एक दूसरे को खींच तो नहीं पा रहे थे बिकॉज उनका जो साइज है बहुत बड़ा नहीं है, मॉडरेट है, मर्ज हो सकते हैं बट उतना नहीं होते। समझ में आया, अपने आप से मर्ज होना थोड़ा मुश्किल होता है, ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या होता है, हमारे पास एक प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv2/r। देखिएगा मास तो बहुत कम है, बहुत बड़ा नहीं है ना पार्टिकल, मॉडरेट साइज का, बहुत छोटा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मॉडरेट साइज का है, मास बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर उसको मैं एक मशीन में डाल के, एक इंस्ट्रूमेंट में डाल के बहुत तेजी से घुमाऊँ, रोटेट करूँ, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो mv2/r जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सारे के सारे जो भी पार्टिकल हैं उनको सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, सारे पार्टिकल मूव करेंगे सेंटर की ओर, उस ट्यूब के सेंटर की ओर मूव करेंगे, और सब ट्यूब के सेंटर में जाके सेटल डाउन होना शुरू होंगे, एक बड़ा पार्टिकल बनेगा। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। समझा, सेडिमेंटेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट में डालो, उसको रोटेट करो, सारे पार्टिकलों को सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, वो फोर्स की वजह से सेंटर पे जाके मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, बड़ा सा पार्टिकल बन जाएगा, फिर उस पर ग्रेविटी का माल दिखाई, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गया, प्रोसेस का नाम है सेडिमेंटेशन। कोलाइडल में सेडिमेंटेशन होता है, अपने आप से तो वो सेटल डाउन नहीं होते। क्यों नहीं होते, वो थोड़ी देर में इसके बाद चैप्टर में जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। समझ में आया, अपने आप से वो सेडिमेंट नहीं होते, लेकिन जब आप उनको रोटेटिंग मशीन में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं, उसमें डालते हैं तो सेंटर की वो फोर्स लगते हैं, सब मिल जाते हैं सेंटर पे, बड़ा पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन। लास्ट केस है, अगर पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाए, 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए, ठीक है। अब 1000 नैनोमीटर से बड़ा होने से क्या होगा, ये पार्टिकल इतना बड़ा हो जाएगा कि ये आसानी से एक दूसरे को खींच लेगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि ग्रेविटी का इफेक्ट भी पड़ेगा, तो ऐसे चीज़ को बोलते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या हो गए, जिन्हें पार्टिकल काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, अगर आप इनको छोड़ दो तो ग्रेविटी की वजह से सारे पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो मेन डिफरेंस ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में साइज का डिफरेंस है, साइज भी डिस्पर्स फेज का जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो उसके साइज में, अगर वो छोटा है 1 नैनोमीटर से छोटा है तो ट्रू सॉल्यूशन है, मॉडरेट साइज का 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में तो आपका वो आपका कोलाइडल है, और अगर 1000 से भी बड़ा है तो वो सस्पेंशन है। इनकी स्टेबिलिटी, ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, कोलाइडल आपके हल्के फुल्के स्टेबल होते हैं, मॉडरेट साइज के मॉडरेटली स्टेबल होते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत स्टेबल भी होते हैं, ठीक है, जबकि सस्पेंशन हाईली अनस्टेबल होते हैं। एक और डिफरेंस है विजिबिलिटी में, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि उसको आप देख नहीं सकते, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को देखना पॉसिबल नहीं है, सस्पेंशन के पार्टिकल को देखना बहुत आसान है, आसानी से दिख जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मल आई से, लेकिन अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लाते हो, पावरफुल माइक्रोस्कोप लाते हो, तो कोलाइडल के पार्टिकल को भी देख सकते हैं। एक और डिफरेंस आता है फिल्ट्रेशन में,
अगर ट्रू सोल्यूशन लाओगे तो पार्टिकल इतना छोटा है कि किसी भी टाइप के फिल्टर के, किसी भी टाइप मतलब ऑर्डिनरी फिल्टर या अल्ट्रा फिल्टर, अल्ट्रा मतलब होता है बहुत अच्छा जिसमें पोर्स के साइज बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उन दोनों के पार निकल जाएगा। ट्रू सोल्यूशन को फिल्टर करना बहुत मुश्किल है, सस्पेंशन को फिल्टर करना बहुत आसान है, पार्टिकल बड़ा है पोर्स के पार नहीं निकलेगा। पोर्स मतलब समझ में आ रहा है छलनी टाइप का समझ लो, आटा छानने वाला, उसमें बीच में होल्स होते हैं जिनसे पार्टिकल पार निकल जाते ना। ट्रू सोल्यूशन बहुत छोटा है तो सारे पार्टिकल पार निकल जाएंगे, सस्पेंशन का पार्टिकल बड़ा है तो ऊपर ही अटक जाएगा। आया, कोलाइडल में क्या होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर के पार चले जाते हैं बट पार्चमेंट मेम्ब्रेन या अल्ट्रा फिल्टर पेपर के जिनमें होल्स का साइज छोटा होता है उनके पार नहीं निकल पाता। इसको ऐसा समझ सकते हैं जो ये होते हैं कंस्ट्रक्शन काम में एक वो यूज़ होता है, नेट टाइप का यूज़ होता है, उसके पोर्स के साइज बड़े होते हैं, अगर मैं उसे आटा फिल्टर करूँगा तो पार निकल जाएगा ना। लेकिन अगर मैं छोटा पोर्स का कोई अगर वो ले आया छलनी टाइप की ले आया जिसके पोर्स के साइज छोटे होते हैं तो उससे शायद आटा पार ना जाए। यही कंसेप्ट यहाँ भी लगता है भैया, इनका साइज में भी डिफरेंस होता है। आई बस उनमें अब इसके बाद बढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की ओर, ठीक है, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई किया है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया है। पहला है फिजिकल स्टेट, आपको बताया डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होते हैं, बताया ना, जिसको डिसॉल्व करते हैं उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं, जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो इनकी भी अपनी स्टेट हो सकती है। अगर डिस्पर्स फेज जिस चीज़ को आप घोल रहे हो, जिस मटीरियल को डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉलिड है, और जिसमें डिसॉल्व किया वो भी सॉलिड है, सॉलिड को ही सॉलिड में डिसॉल्व किया तो इसको बोलते हैं सॉलिड सोल, सॉलिड को डिसॉल्व किया लिक्विड में तो उसको बोलते हैं सोल, सॉलिड को डिसॉल्व किया गैस में तो उसको बोलते हैं एरोसोल, लिक्विड को डिसॉल्व किया सॉलिड में तो उसको जेल बोलते हैं, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो उसको इमल्सन बोलते हैं, लिक्विड को गैस में डिसॉल्व किया तो एरोसॉल बोलते हैं, गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया तो आप सॉलिड सॉरी गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया तो उसको सॉलिड सोल बोलते हैं, और गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो उसको फॉर्म बोलते हैं। गैस और गैस का मिक्सर ट्रू सॉल्यूशन होता है, बिकॉज गैस और गैस इजिली मिक्स हो जाती है डिफ्यूजन की वजह से, इसलिए आप ऐसी चीज़ों को ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में मानते हैं, ठीक हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, कि आपके पास डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम की स्टेट हो सकती हैं, टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड और गैस होता है तो तीन सॉलिड के साथ, तीन लिक्विड के साथ, तीन गैस के साथ, तीन सॉलिड के साथ, तीन लिक्विड के साथ, तीन गैस के साथ, बट गैस और गैस का होमोजीनियस होता है तो ये 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा, आसान सा है फिजिकल स्टेट के हिसाब से। दूसरा क्लासिफिकेशन है फोर्स के हिसाब से, जिस मटेरियल को आप डिसॉल्व कर रहे हो वो मीडियम में घुलता है या नहीं घुलता, मीडियम के साथ उसकी एफिनिटी है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। एग्जांपल इसको ऐसा समझ लेते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक फिलिक होता है, एक फोबिक होता है। फोबिक वर्ड सबने सुना होता है, फेमिलियर वर्ड है। अगर आपका किसी चीज़ से आपको डर लगता है, वो आपके साथ अटैच नहीं होता है, तो हम उसको फोबिक बोलते हैं। जैसे अगर आप कोई जैसे किसी को पानी से डर लगता है, लगता है बहुत सारे लोगों को, तो हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक या वाटरफोबिक, एक्वाफोबिक, वाटर को एक्वा भी बोलते हैं, हाइड्रो भी बोल सकते हैं, वाटरफोबिक भी बोल सकते हैं। तो जिससे डर लगता है उसके आगे लिख देते हैं फोबिक, जैसे किसी को एग्जाम से डर लगता है तो एग्जाम फोबिक या एग्जामोफोबिया ऐसा वर्ड आ सकता है। आया समझ में, किसी को मेहनत से डर लगता है तो मेहनत के आगे क्या लगा दोगे, फोबिक लगा दोगे। किसी को पढ़ाई करने से डर लगता है तो उसके आगे फोबिक लगा दोगे, तो डर के आगे क्या लगाएंगे, फोबिक। समझ में आया, किसी को मेरे से डर लगेगा तो मेरे नाम के आगे क्या लगा दोगे, फोबिक लगा दोगे। तो फोबिक वर्ड मतलब समझ में आ गया ना, अगर किसी चीज़ के साथ उसकी एफिनिटी, उसके साथ जुड़ने की टेंडेंसी बहुत कम होता है। जैसे अगर किसी को वाटर से डर लगता है तो वाटर के पास कभी नहीं जाएगा, वाटर के साथ रहना ही नहीं चाहेगा, तो वाटर फोबिक हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया। समझ में आया, अगर उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत पसंद है, तो बार बार वहीं जाएगा, उसी के साथ रहना पसंद करेगा, तो हो गया लायोफिलिक। मतलब फिलिक वर्ड होता है जब फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, उसी के साथ अटैच्ड रहना चाहता है, तो लायोफिलिक फिलिक वर्ड ऐड करते हैं, और नहीं रहना चाहता है, फोर्स बहुत कम है, सेपरेटली रहना चाहते हैं, तो लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक। अब ध्यान से सुनिएगा, इस केस में मैं दोबारा आ जाता हूँ, यहाँ देखना, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। आपने किसी मटेरियल को घोला जिसको डिसॉल्व किया, वो आपका डिस्पर्स फेस है, जिसमें डिसॉल्व किया वो डिस्पर्सन मीडियम है। अगर इन दोनों की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, इसका इसके लिए बिहेवियर, फोर्स बहुत ज़्यादा है, फोर्स समझ लीजिए कि फोर्स ज़्यादा है, इजिली मिक्स हो जाता है, घुल जाता है इजिली, तो ये है लायोफिलिक। पानी होता तो हाइड्रोफिलिक बोल देता। समझ में आ गया मैं क्या बोला, जिनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, एफिनिटी मतलब जो उनके साथ रहना चाहता है, जिनके साथ आपका लगाव बहुत ज़्यादा होता है, आप उनके साथ रहने का करते हैं, तो वो लायोफिलिक हो गया हमारे। समझ में आया, अगर आपने एग्जांपल के लिए बोला मेरे पास ये है स्टार्च, है स्टार्च एक पॉलीमर है इसका, ग्लूकोज का,
पानी में इजिली डिजोल्व हो जाता है, तो इसका मतलब पानी के साथ उसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता होगा तभी वो डिजोल्व हो रहा है पानी के साथ। तो इसका मतलब स्टार्च का शुगर सॉरी स्टार्च का पानी में वाटर में जो सोल्यूशन है वो आपका लायोफिलिक है। अगर कोई गोल्ड को पानी में डिजोल्व करके, तो गोल्ड पानी के साथ डिजोल्व नहीं होता, गोल्ड इनर्ट होता है, वो पानी के साथ डिजोल्व नहीं होता, तो इस केस में वो लायोफोबिक हो गया। समझ में आ गया लायोफिलिक और लायोफोबिक? नहीं आया समझ में? अगर कोई चीज़ का, जिस चीज़ को आप डिजोल्व कर रहे हो, मीडियम के साथ बहुत स्ट्रांग फोर्स है तो मीडियम के साथ जुड़ के रहेगा, ऐसी चीज़ को बोलते हैं लायोफिलिक। अगर बहुत कम फोर्स है तो मीडियम के साथ नहीं रहना चाहेगा, सेपरेट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसको बोलते हैं लायोफोबिक। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंस है स्टेबिलिटी का। लायोफिलिक बहुत स्टेबल है बिकॉज फोर्स बहुत ज़्यादा है, जुड़े रहेंगे, अलग नहीं होंगे। समझ में? डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्सन मीडियम घुले रहेंगे, जुड़े रहेंगे, अलग होने वाले नहीं हैं। लेकिन डिस्पर्स अगर लायोफोबिक बोलोगे तो फोर्स बहुत कम है, वो सेपरेट होना चाहेंगे, तो सेपरेट होने की वजह से लायोफोबिक अनस्टेबल होते हैं। अब स्टेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं, एक्स्ट्रा डालते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है? लायोफिलिक स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक अनस्टेबल होते हैं, लायोफिलिक रिवर्सिबल होते हैं। अगर वो अलग हैं कंपोनेंट, दो अलग अलग हैं तो इजीली मिक्स करके घोल सकते हैं। लायोफोबिक अनस्टेबल हैं क्योंकि अगर वो अलग हो गए तो फिर उनको घोलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी एफिनिटी बिल्कुल नहीं है। लायोफिलिक में दोबारा घोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, दोबारा सेक करोगे बन जाएगा, मिल्क पाउडर आता है ना मिल्क पाउडर, तो उसको इजीली पानी में घोल सकते हैं, वो लायोफिलिक है। अगर वो नहीं डिजोल्व होता तो वो लायोफोबिक होता। लायोफोबिक सेपरेट हो गए तो दोबारा डिजोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो ये लायोफिलिक और लायोफोबिक की कैटेगरी है। अगला आता है मॉलिक्यूल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से, कोलोइडल सॉल्यूशन को कैसे बना रहे हैं उसके हिसाब से। अगर आप डायरेक्ट मिक्स करके बनाते हो, जिसका पार्टिकल का साइज पहले से उसी डायमेंशन का है, उसी डायमेंशन से मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डिसॉल्व करना है, जैसे आपका मिल्क पाउडर जो आप बनाते हो, प्रोटीन सॉल्यूशन जो आप बनाते हो, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर। पार्टिकल पहले से उसी डायमेंशन का होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मिक्स कर देना है, खत्म कहानी। ये जनरली आपके लायोफिलिक टाइप के होते हैं। दूसरा होता है मल्टी मॉलिक्यूलर, जहां आप बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकलों को किसी मेथड से जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं। मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें पार्टिकल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, मैंने बोला ये पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने इसमें कोई केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज कुछ भी करके ये पार्टिकलों को आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ दूंगा तो साइज बढ़ जाएगा। अब ये साइज जो है इस पार्टिकल का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो गया, तो ये आपका हो गया मल्टी मॉलिक्यूलर। तो मल्टी मॉलिक्यूलर क्या हुआ, समझ में आ गया? पार्टिकल जनरली बहुत छोटे होते हैं, बट किसी मेथड की वजह से, फिजिकल या केमिकल किसी मेथड के जरिए हम उसको आपस में मिला देते हैं, तो आपका हो गया मल्टी मॉलिक्यूलर। ये भी हम चैप्टर के आगे पढ़ने वाले हैं कि मल्टी मॉलिक्यूलर कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इसको मतलब बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाए जा सकते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रो मॉलिक्यूलर में पार्टिकल पहले से साइज का होता है, कोलाइडल साइज में साइज का होता है, सिर्फ डिसॉल्व करते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर में वो छोटे से एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जिनको आप मिलाते हैं और किसी मेथड से मिला के वो बड़ा बन जाता है, ये आपका है मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब एक आया एसोसिएटेड, तो एसोसिएटेड क्या होते हैं उसको समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं। तो एसोसिएटेड कोलाइड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से बने होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो आपके आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सोप, सोप का जनरल फॉर्मूला RCOONA, ठीक है। तो अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो आपने पढ़ा होगा, साइड टेंथ में भी पढ़ा होगा, अगर आप सोप को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोप टूट जाता है, RCOO- Na पॉजिटिव। इस Na का तो कोई लेना देना नहीं है, बहुत छोटा साइज का होता है, तो Na तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, Na पॉजिटिव बहुत छोटा होता है। लेकिन जो ये चीज है, इस वाले को हम ऐसे दिखाते हैं, आपको पता होगा ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये नॉन पोलर पार्ट है, R जो होता है वो नॉन पोलर होता है और ये पोलर पार्ट है, ठीक है। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो और कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो ये पार्टिकल आपस में मिलना शुरू हो जाता है, शायद आपको अब कुछ याद आए, कुछ इस टाइप का बनना शुरू हो जाता है, शायद आपने ये टेंथ में ही पढ़ा हो सोप के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में,
इसको आप बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। तो इससे जब ये बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिल गए तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, यही आपका एसोसिएटेड कोलाइड है। आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा होगा कि मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड एक जैसे पार्टिकल, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलते हैं, बड़ा पार्टिकल बनता है, मल्टी मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड ये है। लेकिन अंतर यह है कि मल्टी मॉलिक्यूलर एटम या मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बनता है, जबकि एसोसिएटेड आपका आयंस की वजह से बनता है। अब ये डिफरेंस है कि मल्टी मॉलिक्यूलर आपका एटम या मॉलिक्यूल से बनेगा, एसोसिएटेड आयंस से बनेगा। डिफरेंस ये होगा कि एसोसिएटेड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि मल्टी मॉलिक्यूलर आपके आयन से नहीं बने, एटमों से बने हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे कि जनरली अगर आप ये देखोगे तो ये देखना ध्यान से, अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि पार्टिकल देखना मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर में, मल्टी मॉलिक्यूलर में पार्टिकल कंबाइन होंगे, एक पार्टिकल बना, दूसरा पार्टिकल बना, तीसरा बड़ा पार्टिकल बना, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आपस में मिल सकते हैं, दोबारा से मर्ज हो जाएंगे मल्टी मॉलिक्यूलर में। समझ में नहीं आया? बहुत सारे एटम को जोड़ोगे तो एटम के जुड़ने के बाद जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, बड़ा पार्टिकल बनेगा, सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर ये एसोसिएटेड होता तो देख सकते हो सबके सब में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है सारे के सारे पार्टिकलों में, तो इसका मतलब इसमें भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे नेगेटिव चार्ज, तो ये कभी भी मिल नहीं सकते। तो एसोसिएटेड कोलॉइड रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर में स्टेबिलिटी के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। समझ में आ गया, कोलाइडल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आपका स्टेट के हिसाब से 8 टाइप के हैं, फोर्सेस के हिसाब से 2 टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में, तो आप उसको लायोफिलिक बोलते हैं, बहुत कम फोर्स है तो लायोफोबिक बोलते हैं, पानी अगर सॉल्वेंट है तो हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, एल्कोहल है तो एल्कोहल के आगे आप क्या लगा दोगे, फिलिक या फोबिक लगा दोगे, ईथर है तो ईथर फिलिक या फोबिक वर्ड यूज़ कर दोगे। और ऐसे ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से 3 है, पार्टिकल पहले से कोलाइडल डायमेंशन का है, जस्ट शेक करना है, मिक्स करना है, तो मैक्रो है, छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल हैं आपस में मिल जाते हैं तो मल्टी मॉलिक्यूलर है, इलेक्ट्रोलाइट है तो एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रोलाइट और मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है, मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा, इलेक्ट्रोलाइट चार्ज वाले होते हैं, चार्ज होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि अगर ये मल्टी मॉलिक्यूलर होता तो इनमें कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते तो वो कम स्टेबल होते, स्टेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा कुछ डालना पड़ता ताकि वो स्टेबल हो जाए। ये डिफरेंस है मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड में, समझ में आ गया। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन कोलाइडल के बारे में। अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्यूरिफिकेशन के बारे में। समझ में आ गया कैसे करना है, कोई दिक्कत करेगा, थोड़ा बहुत बुकों को भी कवर करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। समझ में आ गया, ठीक है।